So hello everyone, welcome once again in this GATE 2020 Chemical Engineering Paper Solution course. So my name is Ajay Pratap Singh and I am an academy educator for GATE Chemical Engineering category. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के GATE 2020 के क्वेश्चंस. और फ्लूइड मैकेनिक्स की जो क्वेश्चन आए थे GATE 2020 में वो काफी अच्छे थे. मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, लेकिन थोड़े से लेंथी में बोल सकता हूँ क्वेश्चंस को. जैसे कि सीआरई के क्वेश्चन रहे थे उसी टाइप से एफएम के क्वेश्चन भी इस बार थोड़े से लेंथी थे, है ना. तो और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एफएम का वेटेज कितना था इस बार. सो टोटल 6 क्वेश्चन एफएम से पूछे गए थे, उसमें से जो 4 क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के थे, है ना. एंड 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे एंड एक क्वेश्चन था आपका 1 मार्क्स का, है ना. सो टोटल 4 × 2 = 8 + 9 मार्क्स का आपका फ्लूइड मैकेनिक्स था इस बार. ओके, सो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है फ्लूइड मैकेनिक्स पे. पंपर बेसिक क्वेश्चन आया था, यहां पर हमें कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग. कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. यहां पर ये डायग्राम गिवन था इस टाइप से कि एक टैंक है, ठीक है, एंड उसके बाद में एक पंप है जो इस यहां से फ्लूइड को इस टैंक में यहां पर ट्रांसफर कर रहा है ना. और ये एटमोस्फेरिक गिवन था यहाँ पर कि एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर भी, ये भी ओपन है, ये भी ओपन टैंक एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर रहेगा. और ये जो डिस्टेंस जो हाइट है वो 5 मीटर गिवन थी. यहाँ पर देखिए हमें डाटा क्या क्या गिवन था. फ्रैक्शनल हेड लॉस जो है वो हमें गिवन था 1 मीटर. ओके, इसको कट कर दीजिए, 1 मीटर ऑफ H2O, 1 मीटर हाइट गिवन थी यहाँ पर फ्रैक्शनल हेड लॉस. देन उसके बाद में Q, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो भी हमें गिवन था यहाँ पर. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो गिवन, वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लो रेट थी वो गिवन थी हमें 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड. देन डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन थी 1000 केजी पर मीटर क्यूब. देन जी इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड ये जो है ये है नीटा, नीटा एफिशिएंसी है ये, है ना. एफिशिएंसी जो है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी 100%. मतलब ये एफिशिएंसी नीटा इक्वल टू हो गया 1. सो गाइस देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा था. मतलब इसमें सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हेड पंपिंग, जो हेड जो रिक्वायर्ड है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. और उस हेड के लिए, है ना, कितना पावर रिक्वायर्ड है वो हमें कैलकुलेट करना है उसके बाद में. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी. तो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करके हम ये HP कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड फाइनली हमें क्या लिखना है, हमें पावर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है. तो पावर रिक्वायर्ड क्या होता है, W × QH, वे W इज द रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच. अगर आप लिखोगे तो आपको पावर मिल जाएगी वोट में. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने मेरा जो फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स अपलोड किया था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के हमने सोल्व किए थे. तो गाइस देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 पॉइंट डिफाइन कर दिए. पॉइंट 1 यहां पर सरफेस पे एंड पॉइंट 2 यहां पर इस टैंक के सरफेस पे. तो हमेशा पॉइंट हम ऐसी जगह चूज करते हैं जहां पर हमारे जो मैक्सिमम जो पैरामीटर्स है वो नेग्लेक्ट हो जाए या जीरो हो जाए. इस तरीके से आपको बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करनी होती है. बिकॉज देखिए क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपको कोई भी प्रेशर का डाटा गिवन नहीं है, कोई भी वेलोसिटी का डाटा गिवन नहीं है. और एक और चीज यहां पर क्वेश्चन में गिवन था कि जो वेलोसिटी है टैंक 1 और टैंक 2 की जो सरफेस तक जो वेलोसिटी रहेगी वो नेग्लिजिबल है. मतलब मैं बोल सकता हूं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज अप्रोक्स इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन में नेग्लिजिबल वाला स्टेटमेंट गिवन था. ओके, तो अब हम यहां पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं बिटवीन द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. तो बर्नौली इक्वेशन हो गया P1 अपॉन रो जी प्लस V1² / 2G प्लस Z1 प्लस नीटा × HP यहां पर हमने लिख दिया इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2² / 2G प्लस Z2 अपॉन HF. आप देख सकते हो आप दोनों जो सरफेस है हमारी टैंक टॉप सरफेस वहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूं. देन उसके बाद में V1 एंड V2 को नेग्लिजिबल बोला है, तो ये टाइम भी आपकी जीरो हो जाएगी. ओके, नाउ अब देखिए रिमेनिंग क्या बचा है, H1 प्लस नीटा यहाँ पर 1 है, नीटा × HP इक्वल टू Z2 प्लस Z HF, है ना, प्लस HF. और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 5 दिया है ना, ये बेसिकली क्या है, ये एलिवेशन डिफरेंस हो गया ना दोनों पॉइंट के बीच में, Z2 माइनस Z1 is equal to 5, ऐसा बोल सकते हो. या फिर आप Z2 को बोल सकते हो 5 है और Z1 को क्या बोल सकते हैं, 0 है. वो भी Z2 माइनस Z1 ही आपको 5 ही मिलेगा अल्टीमेटली. तो HP हो गया नीटा, यहाँ पर 1 पुट कर दिया, HP is equal to Z2 माइनस Z1 plus HF. ये HF हमें गिवन है 5 मीटर और ये Z2 माइनस Z1 हो गया 1 और HF गिवन है 1 सॉरी
जो डिफरेंस हाइट एलिवेशन डिफरेंस है वो 5 है और जो फ्रैक्शनल हेड लॉस है वो क्वेश्चन में 1 गिवन है ना। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ से मिल गया HF इक्वल टू 6 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब फाइनल हम इसको सोल्व करते हैं पावर रिक्वायर्ड के लिए। तो जो जैसा मैंने बोला है पावर रिक्वायर्ड के लिए हम लिखते हैं पी इक्वल टू एम एम डॉट इंटू जी एच है ना। सो ये मास नहीं है बेसिकली, यहाँ पर ये मास फ्लो रेट हो गई। सो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला याद रखना है पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच इंटू क्यू। तो हमारे पास रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1000 kg/m³, जी हो गया 9.81, एच हमें हमने अभी कैलकुलेट किया 6 मीटर, एंड क्यू क्यू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है क्वेश्चन में 0.02, देख सकते हो आप क्वेश्चन में गिवन है 0.02 m³/s। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमें आंसर मिल गया P इज इक्वल टू 1177.2, जो कि यहां पर इसका करेक्ट आंसर है वोट में। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमें बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड पे, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस फॉर बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी प्रोफाइल भी हमें गिवन थी। हमें पता है कि बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो पैराबोलिक एंड फ्लूइड का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इनिशियली आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहता है वो एक एक इस सरफेस तक, देखिए सेंटर से मैं बात कर रहा हूँ, तो इनिशियली वो लीनियर है, देन उसके बाद में पैराबोलिक है ना। उसके बाद में आर इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल रेडियस बोल सकते हैं, ये आर इक्वल टू आर सी है ना, और ये टोटल जो रेडियस है ये आर है ना। तो आर सी तक जो जो प्रोफाइल होगा सेंटर से, ये हमारा सेंटर है यहाँ पर आर इक्वल टू जीरो पे, और ये हो गया आर इक्वल टू कैपिटल आर बोल लीजिए इसे, है ना, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल आप देख सकते हो पैराबोलिक है, देन यहाँ पर ये वेलोसिटी प्रोफाइल फ्लैट है, देन अगेन यहाँ पर भी पैराबोलिक है। तो ये होता है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए। नाउ देखिए, जो आरसी में बोल रहा हूँ क्रिटिकल रेडियस वो गिवन है 0.001 m, एंड एक और चीज गिवन है डेल्टा पी अपॉन एल इज इक्वल टू 10 kPa। और इस क्वेश्चन में हमें एक और इक्वेशन गिवन थी, रिलेशन एक गिवन था d upon dr ऑफ r into tau rx इक्वल टू आर इंटू माइनस डेल्टा पी अपॉन एल। तो ये रिलेशन गिवन था, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे है ना, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो अल्टीमेटली आपको एक रिलेशन मिलता है, वो है टू टाओ अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन एल। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हम डायरेक्टली याद रखते हैं। हमें पता है कि सर्कुलर पाइप के लिए टू टाओ अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन एल होता है, ये चीज हमें पता है। बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखते हैं इस रिलेशन को। हम याद रखते हैं टू टाओ अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन एल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है उसको कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, इसे मैंने यहीं पे। अदरवाइज जो कैपिटल आर जब लिखते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस वो जो शेयर स्ट्रेस है वो आ जाता है टाओ डब्ल्यू, वॉल पर जो शेयर स्ट्रेस होगा ना। सो यहाँ पर फिर उस कंडीशन में हम ऐसा लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन एल। ओके तो अब देखिए यहाँ पर ये रिलेशन हमें पता है, इस रिलेशन से हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। टू इंटू टाओ अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन एल। यहां से मैंने लिखी, देखिए टाओ की जगह में पुट कर दिया टाओ नॉट प्लस म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन एल। बिकॉज यहां पर बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड गिवन है, उसके लिए हमें पता है टाओ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है, ये मैंने पढ़ा है आपको। बेसिकली यहां पर जो टाओ नॉट होता है ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस, और इस क्वेश्चन में यही टाओ नॉट हमें कैलकुलेट करना था, थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस। ओके एक और चीज, यहां पर जो रेडियस है, बेसिक जहां तक फ्लैट प्रोफाइल है, फ्लैट प्रोफाइल जो है मतलब वहां पर वेलोसिटी जीरो रहेगी, कांस्टेंट रहेगी है ना। सो जहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन है फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या रहेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो यहां पर ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी फ्लैट, बिकॉज यहां पर देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये आरसी जो गिवन है वो 0.001 m गिवन है। तो इसके लिए जो डी यू अपॉन डी वाई है वो जीरो रहेगा, डी यू अपॉन डी वाई कॉन्स्टेंट के लिए जीरो आने वाला है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। तो इस टाइम को मैंने क्या किया, जीरो पुट कर दिया। ओके नाउ अब यहां पर हमें मिल गया, ये यहां पर गिवन था, देखिए 8 RC इक्वल टू 0.001 m, डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर नहीं भी गिवन है तो हमें पता है ये कंडीशन होगा। नाउ अब हमारे यहां हो गया 2 upon r की जगह मैंने पुट कर दिया वैल्यू 0.001 m इंटू टाउ नोट प्लस जीरो इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन जो एल था वो गिवन था 10 kPa। सो 10 × 10³ pascal आ गया। यहाँ पर अनोन पैरामीटर क्या है, टाउ नोट इज द थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे टाउ नोट के लिए, तो हमें मिलेगा टाउ नोट इक्वल टू 5 N/m². सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का टाउ इज इक्वल टू 5 N/m². ओके 2 मार्क्स का इक्वेशन था, अच्छा क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, बट इसमें इक्वेशन भी गिवन थी उसको इंटीग्रेट करोगे आप तो भी आपको ये रिलेशन मिल जाएगा और इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो।
ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स के जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था लेमिनार फ्लो पे, वो हमने लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स का अगेन ये क्वेश्चन। टू पाइप्स हैविंग द लेमिनार स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, पाइप 1 हैविंग द डायमीटर D1 एंड पाइप 2 हैविंग द डायमीटर D2, और एक कंडीशन गिवन थी यहाँ पर D2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द D1, मीन्स जो सेकेंड पाइप का जो डायमीटर है वो फर्स्ट पाइप के डायमीटर के डबल है। नाउ और एक और कंडीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन थी, बोथ पाइप हैविंग द सेम डिस्चार्ज। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिस कंडीशन से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ओके और यहाँ पर गिवन हमें जो कैलकुलेट करना है वो है वोल्स शियर स्ट्रेस रेशियो टाउ वन अपॉन टाउ टू विल बी, हमें ये कैलकुलेट करना है ये रेशियो क्या होगा। ओके सो गाइस देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है बिकॉज इसमें आपको खुद रिलेशन कैलकुलेट करना है सबसे पहले कि जो टाउ है, देखिए आपको कोई भी डाटा गिवन नहीं है, एक कंडीशन गिवन है डायमीटर का रिलेशन दोनों पाइप के लिए और आपको टाउ का रेशियो पूछ लिया है दोनों पाइप के लिए। तो यहाँ पर आप कोई प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन लेके आना पड़ेगा कि मेरा जो टाउ है वो डायमीटर के साथ कैसे रिलेटेड है, ये रिलेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन गिवन थे कुछ कि जो टाउ वन अपॉन टाउ टू आने वाला है वो मतलब आंसर उसका ऐसा गिवन था 0.5, 2, 8, 16 इस टाइप के ऑप्शन गिवन थे, है ना, ABC जो भी ऑप्शन था एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे पास नहीं है लेकिन इस टाइप के कुछ ऑप्शन गिवन थे। ओके तो हम कहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे वो डिपेंड करता है। सो मैं पहले इस क्वेश्चन का देखिए 2 मेथड आपको बताऊंगा कि जो इजी आपको लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। Q1 इक्वल टू Q2 मतलब जो गिवन था क्वेश्चन में कि सेम डिस्चार्ज, तो मैंने कंसिडर कर लिया दोनों पाइप के लिए Q1 इक्वल टू Q2 है जो गिवन है, उस कंडीशन को यूज कर लिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है फुली डेवलप लेमिनार फ्लो, ठीक है, फुली डेवलप लेमिनार फ्लो। तो फुली डेवलप लेमिनार फ्लो के लिए सर्कुलर पाइप के लिए मैं लिख सकता हूँ Umax इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Uavg, और Umax के लिए हमें रिलेशन पता है Umax इज इक्वल टू R² upon 4μ into -dp/dx(8) R इक्वल टू कैपिटल R। आपको पता है कि हम U लिखते हैं, U हम लिखते थे R² upon 4μ (1 - R² upon R², सो एट R इक्वल टू कैपिटल R। हमें पता है कि ये टर्म ये R² कैंसिल हो जाएगा और ये ओके एट R इक्वल टू 0 है ना, R इक्वल टू 0 पे ये टाइम है ना, तो यहाँ से और इसमें मल्टीप्लाइड -dp/dx लिखना भूल गया मैं, है ना, तो ये टाइम आके हमें ये रिलेशन मिल जाता है। तो अब इस रिलेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए आगे। तो अब हमें एक चीज मिल गई यहाँ से कि देखिए ये जो Umax है ना, ये जो मैंने Umax लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम क्यू इक्वल टू AV से लेके आ सकते हैं, ये क्यू एवरेज रहता है, तो जो वी एवरेज हमारे पास है वेलोसिटी एवरेज उसको हम लिख सकते हैं Q/A, मतलब वहां से हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हम लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए टाउ अभी तक नहीं दिख रहा है हमें, तो टाउ हम कहाँ से लेके आएंगे, बिकॉज हमें पता है सर्कुलर पाइप के लिए एक रिलेशन होता है dp/dx इज इक्वल टू -2 into tau w/r। तो यहाँ पर जो -dp/dx है इसकी प्रोपोर्शनलिटी हम देख सकते हैं, टाउ के साथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पर यू एवरेज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाउ के। तो वही चीज मैंने यहाँ पर किया, देखिए -dp/dx जो था वहां पर मैंने पुट कर दिया 2 tau upon r, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। नाउ 2 into u average इक्वल टू यहाँ पर आप देख सकते हो भी एक r से r एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल गया एक 2 से ये 4 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, सो tau w into r upon 2μ ये मिल गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ से मुझे मिल गया q, अब मैं केवल प्रोपोर्शनलिटी की बात करूँगा, तो इसके लिए देखिए q वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, सो u average इज इक्वल टू Q/A एंड एरिया को मैंने पुट कर दिया क्रॉस सेक्शनल, जो सर्कुलर पाइप है उसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा πr² और πd² / 4, ठीक है। सो यहां पर ये पुट कर दिया, अब यहां पर मेरे पास ये था 2 into u average, तो यहां पर मैंने u average पुट कर दिया इक्वल टू tau w into d, ये जो r था इस r को मैंने पुट कर दिया d, बिकॉज डायमीटर का ही हमें रिलेशन की, तो डायमीटर की टर्म में हम बात करेंगे, तो ये हो गया d/r/2 हो गया, तो यहां पर मैंने लिख दिया r को d/2, तो ये मुझे रिलेशन मिल गया tau w into d upon 4 into mu। नाउ यहां से मैं अब एक चीज देख सकता हूं कि यहां पर देखिए पिक्चर में tau w है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कांस्टेंट है,
दोनों केस के लिए। सो टाउ डब्ल्यू का यहां से रिलेशन में डायरेक्टली डायमीटर के साथ देख सकता हूं, तो ये टाउ डब्ल्यू, ये डायमीटर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी पावर क्यूब, मीन्स टाउ डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन डायमीटर पावर थ्री। जो शियर स्ट्रेस होगा वॉल पे वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, इनवर्सली प्रपोर्शनल है डायमीटर पावर थ्री के। डायरेक्टली प्रपोर्शनल बोलू तो वन अपॉन डी पावर थ्री के, और इनवर्सली प्रपोर्शनल बोलू तो डी पावर थ्री। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, ये चीज जो मैंने लिखी है यहां पर देख सकते हो आप, टाउ डब्ल्यू वन अपॉन टाउ डब्ल्यू टू यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इनवर्सली आने वाला है डी टू अपॉन डी वन पावर थ्री आने वाला है, ये देख सकते हो आप यहां पर, ये लिखा है मैंने। अब हमें एक रिलेशन पता है, डी टू इज टू टाइम्स ऑफ डी वन, तो यहां से हम डी टू को टू डी वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू पावर थ्री। सो टू पावर थ्री कितना हो गया, एट। मतलब जो रेशियो हमें मिलने वाला है, जो रिक्वायर्ड हमें कैलकुलेट करना है, टाउ डब्ल्यू वन अपॉन टाउ डब्ल्यू टू इज इक्वल टू, वो होगा एट। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का एट। ओके गाइस, सेकंड तरीका आप देख सकते हो, ये मैंने सोल्व कर दिया। उसके अलावा आप क्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको क्यू के लिए ये रिलेशन पता है तो, क्यू इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एट म्यू इंटू माइनस डीपी बाई डीएक्स, इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। और जो डीपी बाई डीएक्स है वो सेम रिलेशन आप यहां से यूज कर लोगे, डीपी बाई डीएक्स का टाउ के साथ जो रिलेशन है वो यहां पर, तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। एंड सेकंड मेथड देखिए आप, सबसे ईजी, ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। हमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है फुली डेवलप लेमिनार फ्लो, ये चीज हमें पता है, टाउ इज इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन डीएक्स इंटू आर बाय टू। एंड यहां से देखिए टाउ मैक्स में इसे बोल सकता हूं, टाउ मैक्स बोलूंगा तो इसको आर इक्वल टू कैपिटल आर में पुट कर दूंगा ना, टाउ मैक्स डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डीपी बाई डीएक्स इंटू आर बाय टू हो गया, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर। अब फुली डेवलप लेमिनार फ्लो के लिए हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं, एच एफ इज इक्वल टू 32 म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वेयर, ये वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। यहां पर हमें पता है पी इक्वल टू रो जी एच है, एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन रो जी, और यहां पर जो ये वेलोसिटी है इसको मैं पुट कर सकता हूं क्यू बाई ए, यहां से वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई ए, और उस एरिया को हम पुट कर देंगे फिर पाई बाई फोर पाई डी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, यहां पर ये देखिए मैंने पुट कर दिया। तो नाउ यहां पर एच एफ को मैंने लिख दिया डेल्टा पी पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी इक्वल टू 32 म्यू वी, वी को मैंने पुट कर दिया क्यू बाई ए, क्यू इंटू एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर इंटू ए, यहां से रोजी से रोजी कैंसिल हो गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू 32 म्यू इंटू क्यू इंटू एल अपॉन डी स्क्वायर इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर। अब देखिए यहां से मुझे मिल गया, मैं केवल प्रोपोर्शनलिटी की बात करूंगा बिकॉज एक ही कंडीशन गिवन है मुझे, टाउ का रिलेशन डायमीटर के साथ कैलकुलेट करना, और डायमीटर का रिलेशन मुझे गिवन है दोनों पाइप के लिए। सो पी वन माइनस पी टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डायमीटर पावर फोर, यहां से ये मिल गया, तो ये यहां पर मैं यूज करूंगा इस प्लेस पर, तो यहां से टाउ का रिलेशन मुझे डायरेक्टली डायमीटर से मिल जाएगा। ओके तो यहां से ये चीज हमने कैलकुलेट कर लिया, नाउ टाउ मैक्स इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इंटू आर बाई टू है, तो यहां पर ये जो डी पी बाई डी एक्स है, ये देखिए आर बाई टू को मैंने पहले तो डायमीटर लिख दिया है ना, बिकॉज डायमीटर के टाइम में हम बात कर रहे हैं, और इस डी पी बाई डी एक्स की प्रोपोर्शनलिटी यहां पर देख ली वन अपॉन डी पावर फोर इंटू डी ये वाला, तो यहां से एक डी सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां पर मिल गया टाउ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी पावर थ्री, सेम वही मैंने लिख दिया अभी, टाउ वन अपॉन टाउ टू इज इक्वल टू डी टू अपॉन डी वन पावर थ्री हमें मिल जाएगा, यहां से वही ये हो गया टू, टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट, आंसर मिल गया। ओके अब एक और चीज मैं बता दू, ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में ऐसे गिवन थे 0.5, 2, 8, 16, काफी स्टूडेंट ने ये आंसर किया होगा, कैसे किया होगा वो भी मैं बता देता हूं। आपने लास्ट पेज में ये देखा होगा कि टाउ मैक्स हमें पता है, टाउ मैक्स इज, सबको ये चीज याद रहती है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू माइनस डीपी बाई डीएक्स इंटू आर बाई टू। सो बच्चों ने क्या किया होगा, ये इनकरेक्ट तरीका है, मैं पहले लिख देता हूं है ना, इनकरेक्ट बिकॉज आंसर इनकरेक्ट आएगा इससे, आप देख सकते हो कि टाउ मैक्स यहां पर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल गया डायमीटर के, सो आपको टाउ वन अपॉन टाउ टू कैलकुलेट करना था, ठीक है, टाउ वन अपॉन टाउ टू, तो ये हो गया आपका डी वन अपॉन डी टू डायरेक्टली, यहां से आपने क्या किया होगा, डी वन अपॉन ये था टू डी वन, तो ये डी वन से डी वन कैंसिल हो गया, मतलब जो रेशो आपको मिला वन बाई टू मतलब 0.5, कुछ बच्चों ने आंसर 0.5 किया होगा, कुछ बच्चों ने 2 किया होगा, वो दोनों इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर यहां पर है 8। इस तरीके से आपको कुछ डीपी बाई डीएक्स भी तो आपको देखना पड़ेगा डायमीटर के साथ, उसका भी तो रिलेशन है, वो भी डायमीटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने अच्छा क्वेश्चन बोला बिकॉज आपको खुद यहां पर पहले रिलेशन कैलकुलेट करना है कि मेरा जो टाउ है शियर स्ट्रेस वो डायमीटर के साथ कैसे रिलेटेड रहेगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर फोर अगेन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का गेट 2020 का, मैनोमीटर पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा। ओके तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके का एक मैनोमीटर गिवन था, यूट्यूब मैनोमीटर है ना। इसमें यहां पर देखिए ये जो फ्लूइड है, एक ये फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी है रोवन, यहां तक है ये। देन सेकेंड जो फ्लूइड है उसको मैंने यहां पर डॉट डॉट से लिखा है, इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो2, यहां पर रो1 है रो2, और ये जो डेंसिटी है वो गिवन है हमें, रो1 इज इक्वल टू 1000 kg/m³, मतलब ये वाटर हो गया है ना, और सेकंड रो2 जो है वो है 600 kg/m³, और ये यहां पर लाइट फ्लूइड हो गया, मतलब वाटर से लाइट है ये फ्लूइड है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया वो देखिए, यहां पर आप देख सकते हो दोनों लिम्स पे एटमॉस्फेयर में ओपन है, मतलब यहां पर इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यहां पर इस फ्लूड इस लिम्स में जो जितना फ्लूड है और इस लिम्स में जितना फ्लूड है, इनका जो डिफरेंस है ये हमें गिवन है 10 cm है। ओके इतना डाटा हमें गिवन है, और क्वेश्चन में पूछा गया है टू रेज अनदर 20 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ 600 kg/m³ लिक्विड रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो डिफरेंस है ये 10 cm है, अगर इसको और 20 सेंटीमीटर अगर हम ट्रांसफर करें तो उसके लिए यहां पर एक प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और वो प्रेशर हमें जो कैलकुलेट करना है वो एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है। यहां पर जो प्रेशर हमें मिलेगा वो गेज प्रेशर हमें मिलेगा, लेकिन गेज प्रेशर के जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज प्रेशर, ये हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है बिकॉज। और इस क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको ऑप्शन गिवन थे, चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन में गिवन थे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, अगर आप गलत करते हो तो आपका 2/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। नाउ अब इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अब एक और चीज यहां पर देखिए, ये जो फ्लूइड में मैंने यहां पर देखिए ये रेफरेंस ले लिया मैंने, कुछ जहां तक ये फ्लूइड कंप्लीट हो रहा है ये मेरा रेफरेंस ले लिया मैंने। अब ये जो एच जो गिवन यहां पर मैंने लिखा है एच, ये भी हमें पता नहीं, ये एच हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो ये एच पता, ये एच कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इस एच को फाइंड करने के लिए लिक्विड कॉलम बैलेंस लगाएंगे। लिक्विड कॉलम बैलेंस का मतलब हो गया P1 इज इक्वल टू 0, मतलब सेम लेवल पे जो प्रेशर है दोनों लिम्स में वो सेम रहेगा। हाइड्रोलिक प्रेशर हमें यही मिलता है हाइड्रोलिक प्रेशर से, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो रहता है पी इक्वल टू रोजीएस, तो वहां से हमें मिलता है कि सेम एलिवेशन पे जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा, पी इज इक्वल टू रो इंटू जी एच। तो यहां पर देखिए गाइस, इस पॉइंट पे डायरेक्टली यहां पर ये ले लिया मैंने 0.0 है ना, ये 0.0 डेस लिख देता हूं इसको, 0.0 डेस मेरा रेफरेंस स्टेट है। तो यहां पर मैं बैलेंस अप्लाई कर रहा हूं, इस पॉइंट को 1 मैंने लिखा है, इस पॉइंट को मैंने 2 लिखा है। तो 1 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा पी एटमोस्फेयर एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, इस जो डेंसिटी इक्वल टू 1000 डेंसिटी जो 1000 kg/m³ फ्लूड की है उसकी वजह से जो होल्डअप जो लिक्विड है उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा वो होगा पी इक्वल टू रो 1 × g × h। तो ये मैंने लिख लिया इक्वल टू सेकेंड साइड में जो दूसरे पॉइंट 2 पे जो प्रेशर होगा वो होगा पी एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस इस फ्लूड की वजह से जो प्रेशर लगेगा यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये हो गया पी एटमोस्फेरिक प्लस रो जी एच, सो यहाँ पर डेंसिटी होगी रो 2 × g × h। जो है यहाँ पर कितना होगा टोटल, ये h मैंने लिख लिया 10 cm प्लस h है ना, ये सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में लिख लेते हैं, h प्लस 0.1 m। तो ये मुझे मिल गया मीटर में, ये मैंने पुट कर दिया ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी हमारे पास है rho 1000 × g 9.81 × h इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक कैंसिल कर दिया मैंने, इक्वल टू rho 2 600 × 9.81 × h + 0.1। तो यहाँ से आगे 9.81 कैंसिल हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सोल्व करोगे h के लिए तो h इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 0.149 m, जो कि हो गया 14.9 m। इसको हम अप्रोक्स बोल सकते हैं 15 cm। h इक्वल टू हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि 14.9 cm है, उसको मैं लिख रहा हूँ 15 cm बिकॉज ये सोल्व जो मैथमेट जो सोल्व करने में इजी रहेगा। यहाँ पर देखिए राउंड ऑफ नहीं करना था, ऑप्शन हमारे पास सारे गिवन थे, तो ऑप्शन जब गिवन रहते हैं तो हम अगर थोड़ा बहुत भी अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो हमारे पास जो सबसे क्लोज ऑप्शन होता है वही करेक्ट ऑप्शन रहता है, तो ये बेनिफिट होता है ना। तो यहाँ पर मैंने एच इक्वल टू 15 cm लिख लिया ठीक है। तो पहला काम हमने कर लिया, एच इक्वल टू 15 cm के लिए सोल्व कर लिया। अब देखिए सबसे यहां पर जो इनिशियली में मेरा फ्लूइड इस पॉइंट पे था, ये वाला फ्लूइड, और इस ये जो डिस्टेंस है मतलब इस फ्लूइड में दोनों लिप्स में जो डिफरेंस है वो मेरा 20 cm होना चाहिए ठीक है।
ओके, जो एक्चुअली फ्लूइड था वो मेरा यहां तक था, ठीक है ना। ये ऑलरेडी ये 10 सेंटीमीटर पहले ये फ्लूइड था ना, 10 सेंटीमीटर, तो मेरे को अनदर 20 सेंटीमीटर बोला, तो यहाँ 10 तक तो पहले ही था, उस 10 के ऊपर जो 20 सेंटीमीटर मेरे को इतना इसको ट्रांसफर और करना है, उसके लिए एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप किस तरीके से ये रेफरेंस यहाँ पर स्टेट यूज करते हो, अदरवाइज आपसे मिस्टेक होने का पूरा पूरा चांसेस है इस क्वेश्चन में। तो देखिए मेरा स्टार्टिंग वाला जो ओडेस ओडेस जो रेफरेंस था, वो यहां पर मैंने एक्स एक्स कॉमा एक्स डेस से लिखा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेरे को बोला है कि 20 सेंटीमीटर इसको ट्रांसफर करना है, तो 20 सेंटीमीटर में कैसे इसको ट्रांसफर करूंगा, देखिए मैंने क्या किया है, इस फ्लूड को यहां से, ये फ्लूड रेफरेंस यहां पर है, इस फ्लूड को अगर, और हाँ सॉरी एक और चीज, हमने लास्ट क्वेश्चन में जो एच कैलकुलेट किया था 15 सेंटीमीटर, वो एच यहां पर देखिए मैंने लिख लिया, ये 10 तो ऑलरेडी जो डिफरेंस गिवन था क्वेश्चन में, देन उसके बाद में ये 15 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट किया था एच, ये दो चीजें हमें पता लगी। ये टोटल डिस्टेंस इंपॉर्टेंट, अभी देखिए यहां पर ये 20 पता है, ये 10 पता है, ये 15 पता है। अब यहां पर मेरा जो मेरा मतलब यहां पर करंट पोजिशन में मैं यहां पर हूं, मतलब इस पॉइंट से मैं 15, मेरे को 20 सेंटीमीटर इसको शिफ्ट करना है, तो मैंने इसको प्रेशराइज किया और 20 सेंटीमीटर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये जब 20 सेंटीमीटर मूव करेगा, तो ये वाला फ्लूइड मतलब इधर में ऊपर की साइड में मूव करेगा, ठीक है। तो देखिए इनिशियली जो जो मेरा फ्लूइड था रो इक्वल टू 600 डेंसिटी वाला, वो इस पॉइंट पे था, ठीक है, इस पॉइंट पे था। इस पॉइंट से मैंने देखिए 20 सेंटीमीटर कंसिडर कर लिया कि ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो फ्लूइड था इनिशियली यहां पर था, या आप देख सकते हो लास्ट वाले डायग्राम में, इस पॉइंट में बात कर रहा हूं, ये फ्लूइड मेरा, बस यहां पर जो H15 लिखा है मैंने वही लिखा है, मतलब इस ये जो ओडेस अगर मैं रेफरेंस लिखूं, तो ये कहां पर है मेरा रेफरेंस अभी, इस पॉइंट पे है या नहीं है, मैंने यहां पर एक्स एक्स को मैं एक्स डेस बोल दिया था, सॉरी आपको, वो स्टेट वो रेफरेंस स्टेट नहीं था ये, ठीक है, वो एक्स को मार्क्स था, मैंने जो रेफरेंस यहां पर लिया था ओ कोमा ओ है, तो यहां पे ये ओ कोमा ओ वाला है रेफरेंस, पहले वाला यहां पर है, मतलब अल्टीमेटली अगर मैं देखूं टोटल इस फ्लूड को मैंने जो ट्रांसफर किया है इस रेफरेंस स्टेट से, वो 5 ही किया, बिकॉज 15 तो ऑलरेडी था यहां पर, तो मैंने इसको 5 शिफ्ट किया ओनली, है ना। तो अभी मेरा नया रेफरेंस स्टेट क्या है, जेड कोमा जेड, ये इंपॉर्टेंट है, मेरा रेफरेंस स्टेट क्या है, जेड कोमा जेड मेरा नया रेफरेंस स्टेट है, जहां पर मैं लिक्विड कॉलम पर बैलेंस अप्लाई करने वाला हूं। इतना चीज सब आपको समझ आ गया, ये तो पता लग गया ना, मतलब इनिशियली मैं यहां पर था 15 ऑलरेडी था मेरे पास, तो ओनली 5 और मूव कराऊंगा, टोटल हो गया 20, टोटल हो गया 20, और यहां पर मुझे 20 डिफरेंस मिल जाएगा। अब मेरा जो रेफरेंस स्टेट यहां पर है, ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है, नया पॉइंट ना 2 डेज या 1 डेज कॉमा 2 डेज, इसको आप लिख सकते हो, है ना। तो इस पॉइंट पे तो जो प्रेशर लगेगा वो ओनली एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, इस पॉइंट पर ओनली मेरा एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, इस पॉइंट पर, और यहां पर कोई भी फ्लूड नहीं है, यहां पर कोई भी फ्लूड नहीं है, ये मेरा जो स्टेट है, जो रेफरेंस स्टेट मैंने कंसीडर किया, इसके ऊपर मेरा जो फ्लूड है वो नहीं है, मतलब यहां पर रो जी एच वाला ये टाइम नहीं आएगा, और मुझे यहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। नाउ अब यहां पर देखिए रो इक्वल टू 1000 डेंसिटी वाला फ्लूड कितना हाइट तक है, और रो इक्वल टू 600 डेंसिटी वाला, 600 kg/m³ डेंसिटी वाला फ्लूड कितने डिस्टेंस तक है, वही है मुझे कैलकुलेट करना है, ये मेरा रेफरेंस स्टेट है ना। तो एक चीज आपको ये समझ आ रही होगी, देखिए ये डिस्टेंस था मेरा 15, ठीक है, फिर ये डिस्टेंस जो मेरा एच था पहले, ये वाला एच है ना 15, इस एच में देखिए हमने क्या किया है, पहले मेरा ये रेफरेंस था, लेकिन यहां से हमने 5 इसको शिफ्ट कर दिया, 5 शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, 5 हो गया, ये फ्लूड इधर से 5 ट्रांसफर होके यहां पर देखिए जो मेरा पहले जहां तक फ्लूड था उसमें ये जो 5 है, ये जो 5 है यहां पर, ये मेरा फ्लूड इधर आ जाएगा, ये जो 5 इधर नीचे गया तो इधर ऊपर भी तो आएगा ना, जितना इधर नीचे गया है 5 सेंटीमीटर, इतना ऊपर भी आएगा, मतलब इस फ्लूड का अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं अभी, तो ये मेरा रेफरेंस स्टेट है, यहां से ये 5 जो यहां पर मूव हुआ है, देन एच 15 और एच 5 जो यहां पर फाइनली राइट लिम्ब में जो इंक्रीज हुआ है, तो 5 + 15 + 5, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 25, कैसे हुआ, सबसे ऊपर 5 है, बीच में एच 15 सेंटीमीटर और बॉटम में 5 सेंटीमीटर, तो ये 25 हो गया टोटल। अब ये वाला देखिए रो इक्वल टू 600 kg/m³ वाला जो फ्लूड है वो देखिए, पहले एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था जो क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन ये फ्लूड बेसिकली 5 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो गया अभी, और यहां पर रो इक्वल टू 1000 वाला आ गया है ना,
तो ये जो डिस्टेंस है ये ओनली अभी 5 बचा है, ये 5 और ये 20 डिफरेंस, तो ये टोटल कितना हो गया 25, 20 प्लस 5 ये 25 हो गया। मतलब दोनों फ्लूइड यहाँ पर अगर मैं इस टोटल लिम्स में देखूँ, ये टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया, मतलब मेरे रेफरेंस स्टेट से जहाँ तक फ्लूइड है ये हो गया 50 सेंटीमीटर, और दोनों 25-25 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है फ्लूइड। तो अभी सिंपल सा बैलेंस हो जाएगा मेरा, पी एटमोस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो पी एटमोस्फेरिक हो जाएगा मेरा, लेफ्ट साइड में क्या ओनली एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। सो गेज प्रेशर मेरा क्या होगा, जो रो जी एच होगा, इस टोटल जो होल्डअप लिक्विड है राइट एंड राइट लिम में उसके लिए, तो यहाँ पर पहले मैं लगाऊंगा, ये था पी रो टू इंटू जी एच, और जो 1000 डेंसिटी वाला था वो था पी इक्वल टू रो वन जी एच, है ना। तो ये अप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पर देखिए रो 1000 है, यहाँ पर रो 600 है, डिस्टेंस दोनों के लिए 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर मीन्स 0.25 मीटर मीटर मल्टीप्लाई बाई जी 9.81। तो ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर लिख दिया है गिवन जो है। और पी एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, पी एटमोस्फेरिक हो गया यहाँ पर देखिए 10 × 5 पास्कल, पी एटमोस्फेरिक होता है 1 एटमोस्फेयर, 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू 10^5 पास्कल, 10^5 पास्कल को यहाँ पर मैंने लिख दिया है 100 × 10^3, बिकॉज हम इसको 100 किलो पास्कल लिखते हैं लेकिन हम इसको पास्कल में लिखेंगे भी, सो 10 × 10^3 अगेन वो 10^5 हो जाएगा। प्लस इस टाइम को जब आप सोल्व करोगे और इसमें एड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर आंसर 103925। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको लिख दिया मैंने 103 × 9.25 × 10^3 लिख सकता हूँ, ये हो गया पास्कल। और इस 10^3 को हम लिख सकते हैं 1 किलो, बिकॉज 1 किलो इक्वल टू होता है 10^3, तो ये हो गया 103.925 किलो पास्कल, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन में ये गिवन था। ऑप्शन में बता दूं आपको इस क्वेश्चन के किस टाइप से गिवन थे, ऑप्शन 107 समथिंग कुछ गिवन था, देन ऑप्शन बी 107, देन 103 की गिवन था ऑप्शन में, देन 108, देन 104, इसी तरीके से आपको ऑप्शन गिवन थे। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 104 नहीं था, 105, बिकॉज 100 ऑलमोस्ट जो ये आ रहा है ये 103.92 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 104 ही हो गया है ना। तो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का 103.925 किलो पास्कल। ओके गाइस, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है मैनोमीटर का तो इस क्वेश्चन को अभी आपने इजीली सोल्व किया होगा। इस टॉपिक पे भी हमने काफी क्वेश्चन सोल्व किए थे जो मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स है अकेडमी पर। ओके गाइस, इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस कर दिया मैंने, जो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा हूँ, यहाँ पर अभी तक हमने डिस्कस किए हैं टोटल 4 क्वेश्चन, जो कि सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन था फ्लूइड मैकेनिक्स पे, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5-4 पूछा गया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें बता दूं मैं आपको क्या क्या पूछा गया था। उसमें रेनॉल्ड नंबर गिवन था, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 800 8000, ठीक है, और ये गिवन था x2 पे, x = 2 पे गिवन था, और x = 1 पे रेनॉल्ड नंबर क्या होगा ये आपको सोचना है। और क्वेश्चन में जो ऑप्शन था इनिशियली गिवन था कि आर रेनॉल्ड नंबर 8000 पे, x = 2 पे जो रेनॉल्ड नंबर है वहां पर फुली डेवलप लेमिनार फ्लो है, यहाँ पे लेमिनार फ्लो है तो इससे पहले भी फ्लूड लेमिनार रहने वाला, ये चीज तो क्लियर है। अब उसके अलावा भी आपको रेनॉल्ड नंबर गिवन है तो आप r = ρVd/μ, इसको आप डिस्टेंस लिखोगे ρVL/μ, ये करके आप यहां से इसको 8000 पुट करोगे तो यहां से आप इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके सेकंड टाइम में इस एल की जगह में 1 पुट करोगे तो वहां से आपको रेनॉल्ड नंबर मिल जाएगा कुछ 4000 समथिंग ना। लेकिन ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में 8000 रेनॉल्ड नंबर 8000 पे गिवन है फुली डेवलप लेमिनार फ्लो, बिकॉज फ्लैट प्लेट के लिए हमें पता है 5 × 10^5 तक हमारा जो फ्लूइड है वो लेमिनार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8000 फ्लूइड के लिए तो लेमिनार फ्लो रहने वाला ही है, और अगर x = 2 पे लेमिनार है तो x = 1 पर तो डेफिनेटली लेमिनार रहेगा। और ऑप्शन में आपको कुछ इसी तरीके का गिवन था, ऑप्शन A, B, C, D कुछ ऑप्शन गिवन थे कि फ्लूइड जो फ्लो है वो लेमिनार रहेगा, वो टर्बुलेंट रहेगा x = 1 पे, है ना, वो टर्बुलेंट रहेगा, वो विस्कस रहेगा, और इस तरीके के ऑप्शन गिवन थे आपको। सो करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पर लेमिनार फ्लो, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन जो था वो लेमिनार फ्लो रहेगा x = 1 पे, ठीक है गाइस, x = 1 पे लेमिनार फ्लो रहेगा। ओके गाइस, तो फाइनली हमने कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए जो 5 क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस कर लिए हैं। आप देख सकते हो इस बार टोटल मैकेनिकल ऑपरेशन आया 4 मार्क्स का और फ्लूइड मैकेनिक्स आया है 9 मार्क्स का, है ना, 9 मार्क्स प्लस
फोर ऑलमोस्ट 13-14 मार्क्स का आपका एफएम और मैकेनिकल ऑपरेशन आया, जो काफ़ी अच्छा वेटेज है। अदरवाइज आप देखते हो कि जो एफएम है उसका वेटेज इतना नहीं रहता है गेट केमिकल इंजीनियरिंग में, कभी 6 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स, कभी 5-6, ऐसा ही वेरी करता है ना। इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ एनी क्वेश्चन क्यूरी देन प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। और नेक्स्ट लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। ओके गाइज,